जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आज जो हम सब देखिए पेपर करेंगे सोल्जर जीडी का, लद्दाख स्काउट्स का। तो पेपर आज का ओरिजिनल पेपर रहने वाला है, तो सभी क्लास के तक जरूर बने रहेंगे। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए। नॉलेज के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इन द अरेबियन सी, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, कृष्णा, नर्मदा, महानदी या फिर गोदावरी। इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में मिलती है, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए और सबको बताइए कि कौन सी नदी जो अरब सागर में मिलती है। तो देखिए निम्न में से जो अरब सागर में मिलने वाली नदी है वह है आपकी नर्मदा, ठीक है। नर्मदा के अलावा दो और नदियां हैं जो कि आपके अरब सागर में मिलती हैं। पहला एक होता है देखो आपका सिंधु, पहला सिंधु होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वह होता है आपका ताप्ती। यह तीनों जो हैं आपकी अरब सागर में जाकर मिलती हैं। चलिए अगला देखेंगे जो कि यह देखो यहाँ पे आपका, व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर या फिर 15 सितंबर। तो अभी हम सभी ने कुछ दिन पहले ही मनाया है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है देखो 5 सितंबर को, ठीक है। किसके उपलक्ष्य में, तो याद रखिएगा सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी के उपलक्ष्य में, ठीक है। किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। यह कौन थे, तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे यह हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। एंड आपके जो हैं द्वितीय राष्ट्रपति थे, ठीक है, दूसरे जो हैं राष्ट्रपति थे, सेकंड प्रेसिडेंट थे, दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है देखो, द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वॉज रिटन बाई, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था, मोहम्मद इकबाल, मुजीबुर रहमान, भूपेन हजारिका या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से किसने जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वह लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे आपका यह दिया हुआ है, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज, दिल्ली का सबसे बड़ा शहर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए कि भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो निम्न में से कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वह है आपका मुंबई। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन बी, मुंबई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ, पक्षी, गैंडा या हाथी। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर की जो सबको बताइए कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह प्रसिद्ध है गैंडा के लिए, ठीक है। वो भी कौन सा, तो स्पेशल जो भारत में पाए जाते हैं एक सिंह वाले गैंडा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, एट द ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट्स इंडिकेट्स, यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है, तेज चलो, चलो, धीरे चलो या रुको। यातायात संकेत में जो लाल बत्ती है ये क्या दर्शाती है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए यातायात संकेत में जो लाल बत्ती है यह दर्शाती है टू स्टॉप, रुकने के लिए, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी, टू स्टॉप। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, यह दिया हुआ है देखो, हु वॉज द फर्स्ट लेडी रेसिपिटेंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, देविका रानी, सुलोचना, उमा देवी या फिर नरगिस दत्त। निम्न में से कौन जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला है वह है देविका रानी। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन ए, देविका रानी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, ईमू, मोर, शुतुरमुर्ग या फिर अल्बाट्रोस। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो इसका आंसर तो सबको ही जान रहे हैं, क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ किंग अशोक, राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था, चंद्र कलिंग का युद्ध, कालीकट का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर पलासी का युद्ध। जो आपका यहाँ पे एक मिनट में इसको सही कर रहा हूँ, आप सबको यहाँ पे देखो बताना है कि राजा अशोक ने जो अंतिम युद्ध कौन सा किया था, कौन सा युद्ध जो है राजा अशोक के द्वारा जो है अंतिम युद्ध किया गया था, तो राजा अशोक के द्वारा किया गया जो अंतिम युद्ध है वह है देखो आपका कलिंग युद्ध, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ
इंडियन नेशनल कांग्रेस, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, सी राजगोपालाचारी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ए ओ यूम या फिर डब्ल्यू सी बैनर्जी। कौन जो है देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है राइट आंसर क्या है, तो डब्ल्यू सी बैनर्जी जो है आपके यहाँ पे देखो राइट आंसर हो जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है आगे दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे ए ओ यूम, तो याद रखिएगा जो ए ओ यूम है यह जो है कांग्रेस के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, सबको याद रखिएगा ठीक है। और जो डब्ल्यू सी बैनर्जी है ये प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, यह देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यह है आपका द हु रोट हॉली बुक भगवद गीता, धार्मिक किताब भगवद गीता किसने लिखी थी, कालिदास, वेदव्यास, वाल्मीकि या फिर सूरदास। जो धार्मिक किताब भगवद गीता है वह निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। चलिए आंसर कीजिएगा सब कोई, तो जो भगवद गीता है यह देखो आपका लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी वेद व्यास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है, क्या है देखो आपका यहाँ पे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेज हिज रेजिग्नेशन लेटर, तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर प्रधानमंत्री को। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह जो अपना त्यागपत्र है वह देते हैं उपराष्ट्रपति को। क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। जिनका भी आंसर ए को करना है वाइस प्रेसिडेंट को, वो सही बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन है, राकेश शर्मा, रवि वर्मा, रवि कुमार या फिर राकेश वर्मा। निम्न में से कौन जो है देखो भारत में जाने वाले पहले भारतीय हैं, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वह है देखो आपके राकेश शर्मा। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन ए अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वह है राकेश शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14, यह दिया हुआ है द मेडल ऑफ भारत रत्न इज डिजाइंड लाइक अ लीफ, और भारत रत्न के तमगे का डिजाइन के पत्ते के समान है, चंदन, केला, बरगद या फिर पीपल। जो भारत रत्न का तमगा है उसका जो डिजाइन है वो किसके पत्ते के समान है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो भारत रत्न के तमगे का जो डिजाइन है वह देखो पीपल के पत्ते के समान है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी पीपल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 15, यह दिया हुआ है द फेमस चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, प्रसिद्ध चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। जो प्रसिद्ध चिल्का देश है यह किस प्रदेश में स्थित है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो प्रसिद्ध चिल्का झील है यह आपका स्थित है उड़ीसा में। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी उड़ीसा। जो चिल्का झील है यह देखो आपका उड़ीसा में स्थित है। तो अभी तक आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपके 15 क्वेश्चन जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पे देखो आपके सेक्शन बी है, सेक्शन बी में जो है आपके दिए हुए हैं देखो जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 16-30, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16-30 तक। क्या है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 16 साइंस सेक्शन का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे, यह दिया हुआ है देखो आपका द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है, कॉपर, ले, चांदी या फिर नाइक्रोम। जो आपका बिजली का हीटर का एलिमेंट है वह किस धातु का बना होता है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए बिजली के हीटर का जो एलिमेंट है वह बना होता है नाइक्रोम धातु का। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन डी नाइक्रोम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है आपको, देखो क्या है आपका यहाँ पे कि व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज केप्ड इन एसिटिक एसिड द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू विच कलर, जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है, लाल, बैगनी, हल्का हरा या पीला। जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखते हैं तो वह नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाएगा,
यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर की जो जल्दी से बताइए कि क्या होगा आंसर। तो देखिए, जब भी किसी आम्ल को नीले लिटमस पेपर में रखोगे उसके साथ, तो वह जो है उसको कैसा करता है, तो वह उसको लाल कर देता है। ठीक है, आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन ए लाल। अब आज का जो है, जो 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसमें से आपका टारगेट देखो आज का 28 है। सबको जो है आज 28 अचीव करना है आउट ऑफ 30 में से। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है 330 मीटर प्रति सेकेंड, 350 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड या फिर 211 मीटर प्रति सेकेंड। तो हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ध्वनि की गति है वह देखो आपका होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन सी 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, एम्पियर, ओम, वॉट या फिर कूलाम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए और जल्दी से बताइए कि निम्न में से जो है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो देखिए, प्रतिरोध का जो मात्रक है सबको जानते हैं क्या होता है, तो ओम होता है। राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी ओम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, KCl, CA या फिर NaCl। जो साधारण नमक है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर की जो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर जो है क्या होगा। तो देखिए, साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वह होता है NaCl, ऑप्शन नंबर डी, लगभग सबको जान रहे हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है, विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, कंप्यूटर, बल्ब, रेडियो या फिर टेलीविजन। इनमें से कौन सा जो है एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो यह क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं कर रहा हूँ आज का होमवर्क, सबको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको बहुत बार ये क्वेश्चन बनवाया है, तो सभी को ही बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा जो है एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है कि फारेनहाइट इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। मैं समझ पा रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा है, पर थोड़ा बहुत क्वालिटी बढ़ा लो, दिखने की कोशिश करो, ऐसे ही मुझे भेजा गया है। 24 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन नंबर डी में है 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, जो 32 डिग्री फारेनहाइट है ना, यह आपका 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज, खगोलीय दूरी को नापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष, समुद्री मील, मीटर या फिर किलोमीटर। खगोलीय दूरी को मापने की इकाई क्या है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए और जल्दी से बताइए। तो खगोलीय दूरी को मापने की इकाई देखिए है आपका प्रकाश वर्ष। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन ए लाइट ईयर। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फिल्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन, क्या दिया, देखो कार्बन डाइऑक्साइड। बताना है आपको कि शीतल पेय में जो है निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है। तो लगभग सबको जानते हैं शीतल पेय, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, ध्वनि की चाल में मापी जाती है, डेसिबल, मीटर प्रति सेकेंड, जूल या फिर घंटा। जो ध्वनि की चाल है वो किस में मापते हैं, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। जितने भी अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक बटन प्रेस करिए, शेयर कीजिए अपने और रिफ्रेंड्स के साथ, और उसके साथ साथ जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो ध्वनि की चाल को देखो मापा जाता है मीटर प्रति सेकेंड में। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है, मेन कॉन्सेंट्रेट ऑफ नेचुरल गैसेज, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या इथेन। जो प्राकृतिक गैस है इसका मुख्य घटक क्या होता है, यह जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए कि जो प्राकृतिक गैस होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है। तो देखिए, जो प्राकृतिक गैस है उसका जो मुख्य घटक है वह है मीथेन। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन सी मीथेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है, यहाँ पे देखो आपका कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी इज कॉज्ड
कॉजेज विच डिजीज, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, रतौंधी, स्कर्वी या फिर पेलेग्रा। शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, शरीर में विटामिन सी की कमी से जो होने वाला रोग है वह है स्कर्वी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, स्कर्वी। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। अब यहाँ पे जो आपका रतौंधी दिया हुआ है ना, ये याद रखिएगा, यह जो है होता है देखो आपका विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ये दोनों बहुत आता है, ध्यान में रखना सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, विच मेटल वॉज यूज फर्स्ट बाई मैन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है? लोहा, एल्यूमिनियम, सोना या फिर तांबा। पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर की जो जल्दी से बताइए। तो देखिए, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई जो धातु है वह है आपका तांबा। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन डी, कॉपर, तांबा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका, यह दिया हुआ है, द आई ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस टर्न्स इन टू विच कलर, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या हो जाता है? लाल, पीला, नारंगी या फिर नीला। जो पीलिया रोग से ग्रसित रोगी है उसकी आंखों का रंग क्या होता है यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों और नाखूनों का जो रंग है वह पीला हो जाता है। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन बी, पीला। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, यह दिया हुआ है देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, हवा में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 78%, 46%, 31% या 21%। हवा में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, हवा में जो ऑक्सीजन है यह होता है आपका टोटल 21%। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन डी, 21%। ठीक है, चलिए, तो आपकी जो है देखो 30 क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। 30 क्वेश्चंस जो आपके क्लियर हो चुके हैं, हम लोग रोज 30 क्वेश्चंस करते हैं और वह जो है आपको 30 क्वेश्चंस देखो आज यहाँ पे क्लियर करवा दी गई हैं। सभी अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आज के 30 क्वेश्चंस में से जो है आप सबने कितना सही किया। मैंने आपको टारगेट दिया था 30 में से 28 का, आप सबने 28 का टारगेट अचीव किया या नहीं, सबको जरूर बताइएगा कि आज आपने 30 में से 28 का टारगेट अचीव किया या नहीं।